सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। अगर महाराणा प्रताप का इतिहास याद करें और उसमें झालामान या झालामन्ना का जिक्र न हो, यह संभव नहीं। खानवा के युद्ध में बाबर को लोहे के चने चबाने वाले राणा सांगा के एक सेनापति थे अज्जा जी। वे बड़ी सादड़ी के थे। वे 17 मार्च 1527 को इसी रणभूमि में सांगा को बचाते हुए बलिदान हुए। बलिदान का यह सिलसिला ऐसा चला कि महाराणा प्रताप और अज्जा जी के खानदान की विरासत एक साथ रही। बहादुर शाह गुजराती ने 1535 में चित्तौड़ पर हमला किया तो अज्जा जी के बेटे सिंहाजी ने 1535 में प्राण न्योछावर किए। यह महज एक संयोग नहीं था, यह अज्जा जी के परिवार और संस्कारों का एक ऐसा जीवंत स्मारक था जिसने आगे भी अपने बलिदानी कर्म से मेवाड़ की धरा को महकाने में कभी कमी नहीं रखी। अकबर की सेना ने 1568 ईस्वी में आक्रमण किया तो अज्जा जी के पोते सुल्तान सिंह जमकर लड़े और शहीद हुए। क्या कोई परिवार ऐसा हो सकता है जो इस तरह बलिदानों को निरंतर रखे और युद्ध भूमि में अपने प्राणों के बलिदान देकर मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करे। जैसे जैसे महाराणा परिवार का नेतृत्व बदलता गया, इस परिवार के बलिदानी भी तैयार होते रहे। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में उतरे तो झालामान एक सूरवीर सेनापति के रूप में मौजूद थे। मान लिया छत्र तंवर रणरो भार अतोल, पाताल सु मांग न सक्या शेष कछप अरकोल। अर्थात धरती का भार उठाने वाले शेषनाग कच्छप और कोल भी जिस प्रताप सिंह से छत्र और चंवर नहीं मांग सकते, उस प्रताप सिंह के छत्र और चंवर का भार रण में मान सिंह ने उठाया, जो कि युद्ध में समस्त भार से भी अधिक भारी था। गिद्ध कहे सुन गिदड़ी, सुन मकवान सरा है, मन ने हुए हत खाउता राखण हिंदू रा है। अर्थात युद्ध के पश्चात जब गिद्ध वीरों के शवों को खा रहे थे तब एक गिद्ध अपनी पत्नी से बोला, हे गिद्धी, इस मान सिंह के हाथों को खाने का मन नहीं करता, ये वही हाथ हैं जिन्होंने हिंदुओं के रक्षक महाराणा की रक्षा की है। जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के मैदान में कछवाहे राजकुमार मानसिंह को मारने के उद्देश्य से मुगल सेना के भीतर तक घुस गए तब कुछ क्षणों के लिए संभवतः महाराणा प्रताप अकेले ही रह गए। जब महाराणा प्रताप का घोड़ा मानसिंह के हाथी की सूंड पर पैर रखकर खड़ा हो गया और महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर अपने भाले से वार करने के बाद उसे मरा जानकर छोड़ दिया, तब हाथी की सूंड से पकड़ी हुई तलवार से महाराणा के घोड़े का पिछला पैर कट गया था। इससे महाराणा की स्थिति और भी नाजुक हो गई। इसी समय मुगल सैनिकों ने महाराणा को चारों तरफ से घेर लिया। महाराणा उनसे संघर्ष करते हुए घायल हुए और उन्हें 7 घाव लगे। संभवतः इन्हीं क्षणों में झाला बीता, जो मेवाड़ में झाला मन्ना के नाम से प्रसिद्ध थे तथा जिनकी बहन महाराणा प्रताप को ब्याही थी, उनकी दृष्टि घायल महाराणा पर पड़ी। उन्होंने महाराणा को मुगल सैनिकों से बचाने के लिए उनका राज्य चिन्ह झपट कर स्वयं धारण कर लिया ताकि मुगल सैनिक भुलावे में आ जाए। कर्नल टोड ने इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है, प्रताप के ऊपर राजकीय छतरी लगी हुई थी जिसे वह अलग नहीं कर रहे थे तथा शत्रु उस छतरी से प्रताप को पहचान कर बार बार घेरने का प्रयास कर रहे थे। महाराणा प्रताप को उनके साथियों ने शत्रुओं के घेरे से 3 बार बचाया, किंतु अंत में जब महाराणा बहुत अधिक शत्रुओं से घिर गए तब झाला मन्ना ने अनूठी स्वामी भक्ति का परिचय दिया तथा अपने प्राण देकर महाराणा प्रताप सिंह को बचाया। झाला मन्ना ने मेवाड़ के उस राज छत्र को छीन लिया तथा उस सुनहरे सूर्य को अपने मस्तक पर लगाकर एक और बढ़ गए। इससे मुगल सिपाहियों की बाढ़ झाला मन्ना के पीछे लग गई। इस बीच महाराणा प्रताप को जबरदस्ती युद्ध स्थल से निकाल लिया गया। झाला मन्ना युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए। के गंगा जमुना करे करे गोमती स्नान, ते धरा तीरथ कियो हल्दीघाटी मान।
अर्थात लोग तो गंगा यमुना और गोमती में स्नान करते हैं, किंतु हे मानसी है, तूने तो हल्दी घाटी में रक्त की धारा में स्नान करके सभी तीर्थों का लाभ कर लिया। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राण बचाने वाले झाला मानसी है या मन्ना जी का यह ऐतिहासिक वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।